बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स लाए इस प्रोडक्ट में और मार्केट में और ज़्यादा बूम कर रहे हैं। अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेगुलर एनर्जी ड्रिंक है। अभी 2 मंथ में हम लोगों का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, इट्स अ शुगर फ्री, और उसके बाद हम एवरी 6 मंथ में एक न्यू वेरिएंट्स इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, न्यू फ्लेवर। हम लोग हमारा मार्केटिंग टीम बढ़ाएंगे, एक प्रमोशन एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे और वहाँ पे जो भी सोशल एक्टिविटीज़ या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे हम प्रमोशन और एवरीथिंग प्रमोट करेंगे, तो डेफिनेटली हम रूरल एरिया तक भी पहुँच पाएंगे। ऑलरेडी ये यूरोप मार्केट में वहाँ चल रहा है, अभी इंडिया के लिए हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। क्या बोले मैं? इनमें बहुत सारे वेरिएंट भी ला रहे हैं हम लोग। प्राइस हम लोगों का 80 रुपीज़ है और आई थिंक 80 रुपीज़ इज अफोर्डेबल एवरी वन। एनर्जी ड्रिंक हमारा इसलिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फुल एनर्जी ड्रिंक इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि लो कैफीन है इसमें, लो शुगर है और लॉट्स ऑफ विटामिन, तो दिस इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। So I would like to add that it does not it's a start. So one year complete in many more years to come. We have the presence not only in India, we have so many international markets. We have also a very big market in USA. It's many more years. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है जिनके साथ आप जुड़ते हैं वो बड़े पॉजिटिव होने चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी होने चाहिए, और आज मैं जब जिनके साथ बैठा हूँ दे आर ए वेरी पॉजिटिव पीपल। प्रतिभा जी, शैलेश जी, आई नो देम सिंस मेनी इयर्स एंड मुझे पता है कि इनके अंदर जो पैशन है टू ब्रिंग समथिंग गुड फॉर द पीपल वो बड़ा कमाल का है। यूनो चाहे आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब एक साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी वैसे ही यू नो प्रतिभा जी से उन्होंने बोला था कि हम लोग कुछ ऐसी कमाल की चीज़ लेके आ रहे हैं जो मासेस के लिए रहे, जो आम लोगों के लिए रहे, और वो लोग जो इसे लेना चाहते हैं उनके लिए क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, वो वी आर वर्किंग ऑन दोज फार्मूलाज। और आज जब एक साल इनका पूरा हुआ है, आई एम ए पार्ट ऑफ दिस होल आई वुड से सेलिब्रेशन, सो आई फील प्राउड कि आज मैं इनका जो ड्रीम एक साल पहले शुरू हुआ था आज मैं उन्हें पूरा हुआ देखता हूँ, और आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट फॉर दिस ब्रिलियंट एफर्ट दैट दे हैव डन। मेरे पास दुआएं बड़ी सारी हैं, सो आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कैमरा तो रोल होते ही या ब्लेसिंग्स हैं, सो आई थिंक एक ज़िंदगी कैमरे के बिना भी होती है। हम अक्सर जब कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे एज एन एक्टर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, हम अक्सर उन दायरों में घूमते रहते हैं कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए, जो हम अपने लिए क्या और कर सकते हैं। बट आई थिंक लाइफ कई बार उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने रखती है जो हम दूसरों के लिए सोचना शुरू करते हैं। तो आई थिंक मेरी ज़िंदगी में वो अवेकनिंग आई, आई एम ब्लेस्ड, मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि लाइफ उससे ज़्यादा भी महत्व रखती है। सो आई एम ट्राइंग टू इन्वेंट माई सेल्फ, यस स्टिल माइल्स टू गो बट द जर्नी इज़ ऑन। जी देखिए,
देखिए जो मुझे पहली दफ़ा आया था तो मैंने उनको ये बोला था, मुझे नहीं लगता मैं रूडिसली बना हूँ क्योंकि वहाँ डांटते बड़ा है, यू नो झगड़ा भी कर लेते हैं, मैं तो कर नहीं पाऊंगा भैया। तो आई शो कि मैं जी, तो मैंने जब लास्ट ईयर रोज शुरू किया था साउथ अफ्रीका में तो मैंने उसको बदला था ताकि फैमिली ऑडियंस कैसे जुड़ सके। मैंने एक चीज़ बोला था, कोई यहाँ पे गाली नहीं देगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कम से कम करने की कोशिश करेंगे। सो वो आई थिंक एक चेंज आया था कि बड़ी फैमिली ऑडियंस बड़ी जुड़ी हुई चाहिए, गॉट द रिस्पॉन्स। और इस बार भी जब हमने सीजन शुरू किया है, इस बार हमारे गैंग लीडर्स कई बार झगड़ा कर देते थे, मैं उनको अभी मना के इतने पक्के दोस्त बना दिए कि एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि रिश्ते कैसे जोड़ते हैं, बॉन्डिंग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरी कोशिश वही रहेगी हमेशा। थैंक यू जी। देखिए जब प्रतिभा जी और शैलेश जी मुझे ब्रांड एम्बेसडर साइन करेंगे तब मैं बोलूंगा कि कैसे प्रमोट करते हैं। अभी तो मैं इनकी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने आया हूँ। सो आई थिंक नहीं जरूर होगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो दुनिया है बड़ी स्मार्ट है, ठीक है। हम लोग कुछ भी उनको बोले, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी बोले हम मानते हैं। सो जब हम कोई चीज़ उनको बोलते हैं उसके अंदर मायने होने चाहिए, उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। कोई भी चीज़ एज प्रमोटर्स, एज इंडिविजुअल्स, एज फेस, तो जब मैं कोई भी ब्रांड साइन करता हूँ तो मैं सिर्फ ऐसा फेस नहीं चुनता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे, कि मैं उन प्रमोटर्स के लिए क्या अच्छा कर पाऊँ उस ब्रांड को, और कैसे बड़ा कर पाऊँ, और जो उसके कंज्यूमर्स हैं उसको कैसे मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितना सच है। सो आई थिंक दैट्स माई स्ट्रैटेजी ऑलवेज, वॉट एवर आई ट्राई टू डू। सो नॉट जस्ट एज अ फेस कि मैं आता हूँ कि भैया मुझे आप पकड़ा देंगे और मैं बोल के चले जाऊँगा। तो हम लोग साथ में बैठते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके बारे में और जाने ताकि और लोगों के दिल तक पहुँच सके। लोगों के घरों में पहुँचना आसान है, लोगों के दिल में पहुँचना मुश्किल है। तो जर्नी हमेशा वही रहती है, ऐसा ऐसा फेस कि लोगों के दिल में कैसे पहुँचे, दिल में पहुँच जाएंगे तो घर में अपना पहुँच जाएंगे। मेरी एनर्जी आप लोगों सर आप जब आते हो तो आई थिंक वो एक अपने आप एनर्जी आ जाती है। आप देखो कितनी बारिश के अंदर आप सब लोग एकदम कड़क खड़े हो, फुल ऑफ एनर्जी खड़े हो, तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। जी प्लीज़। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हम लोग कुछ न्यू स्ट्रेटजी के साथ ला रहे हैं और कुछ न्यू प्लानिंग भी है उनके साथ। दोबारा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ओके। सो मेरी होम प्रोडक्शन फतेह जो है जस्ट अभी कंप्लीशन पे है, 5-7 दिन का काम बचा। मैं जैकलिन है, हम लोग एक्शन फिल्म है, पूरी टीम जो है फ्रॉम द कैमरामैन गेम फ्रॉम अब्रॉड, एक्शन डायरेक्टर समन हु हैज डन वर्क ऑन जुरासिक पार्क, एक्सट्रैक्शन, फास्ट एंड फ्यूरियस, तो पूरी टीम आई थी यहाँ पे। हमने करीबन एक महीना कमाल का एक्शन किया और जिन लोगों ने देखा है दिस दे फील कि इट्स समथिंग that people are going to really love it, so I'm pretty excited. जल्द हम लोग इस महीने में पहला लुक मैं रिलीज़ करूँगा। सो आई होप कि जितनी मेहनत हम लोगों ने की है लोगों को पसंद आए, बट येस द एफर्ट विल बी टू ब्रिंग ए स्माइल ऑन योर फेसेस। जी देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं शुरू से करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 24 नहीं 22 घंटे होते हैं, 2 घंटे इज ऑलवेज फॉर फिटनेस। नो मैटर आप कितना बिजी हो, कितना व्यस्त हो, यू हैव टू टेक योर टाइम फॉर योर सेल्फ। सही खाएं, यू नो आपकी जो लिविंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितना स्ट्रेस में हम लोग भागते फिरते हैं तो हम लोग कई बार अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, वो मत कीजिए। स्टे फिट नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिलीज ऑल्सो। सो जस्ट अभी भी आप बाहर जाएंगे तो खाएंगे पिएंगे तो मीठा मत खाइएगा सर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई कैन गिव, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू भाई। याद रखना सर भाई, विजय भाई दो लाइन। सबसे पहले आप देखिए जो ड्रिंक मेरे हाथ में है जिसे अन्ना ने भी किया, फुल एनर्जी है, कचर्च वेरी बाय ड्रिंक मेरी जान, यानी कि ड्रिंक में इतनी जान है जो भी पीता है उसके अंदर एनर्जी आती है, फुल एनर्जी है। आप लोग पीजिएगा, जितने मीडिया वाले हैं
आप पीके बताइए कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है। जैसे आपने बोला कि जो भी पीता है उसमें एनर्जी आ जाए, बिल्कुल। शाहरुख खान सर अगर ये पीएंगे तो कैसा लगेगा? शाहरुख जी अगर पीएंगे पीने के बाद ही सर ये एनर्जी है उनकी। मुझे लगता है कि हर एक एक्टर यही पीता है, और मेरे अंदर 150 एक्टर है तो मैं भी मेरे अंदाजे पीते हर एक्टर की वॉइस भी पी सकता हूँ, मैं अंदाजे पी सकता हूँ। हाँ, सनी पाजी ओए, जब भी मेरे पास फुल एनर्जी आती है और मैं एनर्जी में आ जाता हूँ, इसी की वजह से मैंने हैंड पंप उखाड़े है। वाह, और एनर्जी सड़क ली, असली एनर्जी फुल एनर्जी इसी में ही है। माँ को बाप को दादा को सबको बनने का घेर पीने का माँ कसम, दादा भी पिएगा तो उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो बिल्कुल जब अन्ना ने कह दिया फुल एनर्जी, मैं भी कह सकता हूँ फुल एनर्जी। और इस फुल एनर्जी के साथ में आप लोग प्लीज आइए, जितने भी लोग आइए, और सभी को बताइए कि ये जो ड्रिंक आया कमाल का ड्रिंक है, इसने पूरी मार्केट में तहलका मचा के रखा है, हंगामा मचा के रखा है। चलो, थैंक यू भाई।